हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं लास्ट वीक अभी मन्यू को लेके गई थी उसके डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए। तो उसका रेगुलर डेंटल चेकअप था और क्या क्या चेक करते हैं और क्यों करते हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कैसे बच्चों को आप कराते हो रजिस्टर, क्या है प्रोसीजर, कब, क्यों और कैसे, तो वो सारी चीज़ों के आंसर मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो पर उससे पहले देखते हैं कि अभिमन्यु का कैसा रहा आज का दिन और किस तरह से उसने डॉक्टर के साथ सामने किया और कैसे कैसे मैं उसको पहले से प्रैक्टिस करा रही थी। तो चलो फिर दिखाती हूँ पहले वो छोटी छोटी क्लिप्स और तब फिर आपसे बात करती हूँ। डॉक्टर अभी आएंगी। अब जब डॉक्टर बोलेगी ओपन योर माउथ, तो अब वो कैसे करेगा? ओपन योर माउथ ऐसे बोलेगी डॉक्टर, ऐसे कर देगा वो, फिर आपका टीथ देख लेंगी। देख लेंगे वो आपके टीथ ऐसे। अभिमन्यु, शो मी योर टीथ, वेयर इज योर टंग, वेयर इज योर नोज। अभिमन्यु की नोज कहाँ है? आईज कहाँ है? आईज। अबू के ईयर कहाँ है? ईयर। अबू का हेड कहाँ है? अबू का हैंड कहाँ है? हेयर कहाँ है अबू के, बताओ? हेयर मम्मा के, पर मी अबू। वेरी गुड, बस। ओह गुड बॉय। सो अब वी नो व्हाट ई टू आर, वी हैव गॉट ई टू ई एंड दे आर ब्यूटीफुल। दिस इज फ्लोराइड जेल, इट जस्ट मेक्स देम ओके द टीथ हार्डर। टेक इट। तो डेंटिस्ट के यहाँ से हम बाहर आ गए। अभिमन्यु पूरा साइड मिरर, तो साइड मिरर में क्या दिखेगा अभिमन्यु? व्हाइट वैन ऐसे देखेगा कि वैन कहाँ से जा रही है, कहाँ से आ रही है। तो जैसा कि आपने देखा कैसा खुश था अभिमन्यु, बिल्कुल अच्छे से, उसने कोई रोया नहीं बिल्कुल भी, और कैसे अपने दांत दिखाए। और डेंटिस्ट भी काफी, आपने सुना ही होगा कि खुश थी, काफी बोली थी, तो खुद भी बोला था बाद में भी, वेरी गुड वेरी गुड, तो वो समझता ही है, तो काफी खुश था। फिर बाद में उन्होंने उसको एक स्टिकर और एक चार्ट भी दिया जो मैंने आपको दिखाया अभी। तो आपको कब रजिस्टर कराना चाहिए बच्चों को, तो सबसे पहले वो वाली बात कर लेते हैं। तो रजिस्टर कराने के लिए है, जैसे ही आपको बच्चों के सामने के एक दो दांत आने स्टार्ट होते हैं, दिखते हैं, तभी आप नियर बाय डेंटिस्ट पे जाके एक इंक्वायरी कर लो, फ़ोन करके या जैसे भी, कि वो अभी उनके पास स्पेस है या नहीं। कई बार नहीं होता है तो वो चेक कर लो और वहाँ पर आप रजिस्टर करा दो। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, मेनली तो बर्थ सर्टिफिकेट की होती है, तो वो सब आपको फॉर्म वॉर्म फिल करके आ सकते हो। तो इस तरह से तो आप रजिस्टर कराना आपको किसी भी नियर बाय डेंटिस्ट पर, ताकि कोई भी प्रॉब्लम है कल को तो बच्चों को वो तुरंत आप ले जा सके। रजिस्टर होता है पहले से तो इजी है, अदरवाइज आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है और ये सब चीज़ें हैं। और इसके साथ ही साथ ये है कि जैसे तब आप रजिस्टर करा लोगे तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट फिर वो अपने हिसाब से उसी हिसाब से देख के आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट देंगे, और फिर उसके हर 6 महीने बाद इतने ड्यूरेशन पे मेनली चेकअप होते हैं इनके रेगुलर। उसमें ये भी हो जाता है कि कई बार हम नहीं गए, जैसे मैं भी एक टाइम पर इंडिया में थी अभिमन्यु के, तो वो वाले हमारे अपॉइंटमेंट्स नहीं, कैंसिल हो गए, फिर आपने आगे करा लिए, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप उनको तुरंत बताओ कि हमें ये लगता है, वैसे तो खुद चेक कर ही लेंगे। उसके साथ ये होता है कि ये क्या चार्ज करते हैं, नहीं, डेंटिस्ट बिल्कुल फ्री है। अभिमन्यु का जैसे कोई भी चेकअप होता है तो ये 18 साल तक बिल्कुल फ्री होगा, और उसके बाद अगर ये 19 साल का जब होगा तब अगर ये फुल टाइम एजुकेशन में होगा एक साल के लिए तो भी फ्री होगा, बट 18 साल तक बिल्कुल फ्री है। उसके लिए और कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, चाहे आप वीजा पे हैं, चाहे आपके पास ILR है, चाहे आप ब्रिटिश सिटीजन है या कुछ भी है, अगर आप यहाँ रहते हैं और उस अगर आपने बच्चों को रजिस्टर करा रखा है तो NHS में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है डेंटिस्ट के पास बच्चों का, तो कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो आप अपने बच्चों के इस तरह से रजिस्टर करा के उसके रेगुलर चेकअप्स कराए। और इससे ये है कि कम से कम कोई प्रॉब्लम है दांत में, कुछ भी है, सही से दांत नहीं आ रहे, कोई भी चीज़ है, तो वो तुरंत के तुरंत सॉर्ट आउट हो सकती है। और आपको किस तरह से ब्रश कराए, कैसे आप, क्योंकि कई बार होती है कि प्रॉब्लम होती है बच्चे नहीं करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी है, थोड़ा आप डिस्कस कर सकते हैं जब भी जाए। तो यही सब था, और आई होप आपके सब जो भी क्वेश्चंस थे वो आंसर हो गए हो, जो मैंने
कोशिश करी है पूरी की पूरी। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना वीडियो को, और अपना ध्यान रखें, खुश रहें। बाय।